अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि देसी घी बाज़ार के बटर से कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास बटर है अनसॉल्टेड, तो मैं इसके पीसेस करके ऐसे एक बिल्कुल ड्राई पैन में पकने के लिए रखूंगी और आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस बटर को मैंने एक पैन बिल्कुल ड्राई पैन में डाल दिया है और इसके अंदर बटर के पीसेस करके डाल दिए हैं। अब मैं इसकी आग जो रखूँगी वो बहुत हल्की रखूँगी। पहले आप इसे अगर चाहें तो मीडियम आग पे पिघला सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देंगे। अभी मेल्ट होने तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मक्खन जो है वो पिघल रहा है, लेकिन मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। आपने इसे किसी भी किस्म का चम्मच अभी बिल्कुल नहीं चलाना। ये देखिए मक्खन अब बिल्कुल पिघल गया है और मैंने अब 5 पे रखी हुई थी जो कि मीडियम है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी 3 पे करके। अब हम इसको तकरीबन आधा पौना घंटा बनाए पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में मैं इसमें ये करूंगी कि इसके जो ये फोम है वाइट कलर के, ये स्पून की मदद से रिमूव करती जाऊंगी। ये जब ऊपर आ जाएंगे तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। ये देखिए अब इसके फोम जो है वो ऊपर आ गया वाइट कलर के, इसको रिमूव करना है और वो भी बिल्कुल हल्के आ। मैंने अभी तक इसके अंदर चम्मच नहीं लगाया, चम्मच नहीं चलाया, सिर्फ ये फॉर्म रिमूव करने के लिए मैं इसके अंदर चम्मच डाल रही हूँ। इसी तरह जैसे ही आता जाए ये वाइट कलर का ऊपर, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। ये दोबारा फॉर्म इसके ऊपर आ गया, अब मैं इसको दोबारा रिमूव कर दूँगी। तो जब भी आप देखेंगे इस फॉर्म को, आपने इसको रिमूव करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से। आधा घंटा हो चुका है लेकिन इसके फॉर्म जो है अभी तक बन रहे हैं वाइट कलर का। ये दरअसल मिल्क होता है जो ऊपर आ रहा है, तो जब तक ये आता रहेगा हम निकालते रहेंगे। काफ़ी सारा मैंने जमा कर लिया और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मिल्क कर्डल्स हैं। और दूसरी बात ये कि ये अभी आधा घंटा हो चुका है, मुझे लगता है कि और मज़ीद आधा घंटा लगेगा। इसको इसी आंच पे हमने पकाते रहना है जब तक कि घी जो है वो क्लियर ना हो जाए। ये देखें क्लियर हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, और नीचे इसके बाकी जो कर्डल्स हैं वो नीचे बैठ गए। तो अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे और तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको पकने में और इतना ये निकला है इसका। और इसको हम किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन वगैरह में। अब ये चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा करके किसी भी ग्लास बॉटल में, और ग्लास बॉटल भी जो है वो ड्राई होनी चाहिए, तो मैंने ग्लास बॉटल ड्राई करके रख ली है। इसके अंदर हम स्ट्रेन कर लेंगे।